उत्तर पूर्वी दिल्ली से लापता दो सगी बहनों के शव अलीपुर के एक नाले में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक बहनों की पहचान 22 साल की रुखसाना और 20 साल की नबीना के रूप में हुई है। रुखसाना शादीशुदा थी। दोनों बहनों के शव मिलने से परिवार सकते में है और इसके पीछे रुखसाना के पति का हाथ बता रहे हैं। मुझे जानकारी ये मिल पाई है कि 19 तारीख को ये शाम के टाइम गई थी, इनके पास फोन आया था कि कश्मीरी गेट पर, वहाँ से इनको ले जाया गया। उसके बाद उनके जो मोबाइल थे वो भी बंद कर दिए गए, फिर उसके बाद कोई खबर नहीं मिली। हमने सिलमपुर थाने के अंदर रिपोर्ट लिखवाई, वो रिपोर्ट आने के बाद वहाँ से कोई हमारा हल नहीं हो पाया। तो उसके बाद हमें जब ये फैक्स पे बात पहुँच गई थी तो लाशें मिली अलीपुर नाले से, जिसके लिए अब अलीपुर थाने की पुलिस जो है वो पूरी जांच कर रही है उसके लिए। जी हमारी मतलब मुहर्रम वाले दिन गई थी ये, उनको कोई कॉल आया था कि हाँ भाई हर्बल लाइफ में वो पहले मतलब काम कर चुकी थी, उसके पहले 6 महीने से घर में ही थी, कहीं से मतलब फ़ोन आया कि हाँ जी आपको काम करना है तो आ जाइए। हमारी भाभी ने मना भी किया कि नहीं ऐसे जान पहचान के वालों को नहीं कर, कहें नहीं हम आपको जानते हैं आपके अड़ोस के पड़ोस के जो भी हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद वो बच्चियां चली गईं, दो एक दिन के बाद हमारी भाभी मेरे पास आई, मुझे बताया भी नहीं था कि बच्चियां कहाँ हैं। उनसे 1 घंटे बात हुई हमारी भतीजियों से कि भाई हम वहाँ हैं, कहाँ पर, कश्मीरी गेट पे, अलीपुर पे तो उनका वो मिली है, कश्मीरी गेट पे हैं। उसके बाद उनका फोन स्विच बंद हो गया कि मम्मी घबराओ नहीं हम सही हैं और हम अपने आप आ जाएंगे 1 घंटे में। उसके बाद ये हमारी भाभी मेरे घर आई, कह लगी बाजी वो जानकारी का बता रहे हैं ऐसे जिस तरीके से जी थी। हाँ एक बेटी शादीशुदा थी और एक कुंवारी थी। किसमें शक जा रहा है, कौन हो सकता है शक? उनका जो शादीशुदा है उसका आदमी है लक्की, वो ही पहले भी धमकी देता था। बता दें कि दोनों बहनें दिल्ली के सीलमपुर इलाके से 19 सितंबर को काम पर निकली थीं। इसके बाद दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। परिजनों ने इस मामले की सूचना सीलमपुर थाने को दी, जिसके बाद जांच में दोनों बहनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। बहरहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से इसरार अहमद के साथ प्रियंका की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।